हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आइए एक और नया लेक्चर आपका शुरू करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्वार्टर जॉइंट के बारे में। अब देखिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूं कि अभी हाल ही में दिवाली बीती है, आप सबको पता है। तो मेरे एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया कि सर आप अपना जो है एड्रेस दे दीजिए और मैं आपको मिठाई सेंड करना चाहता हूँ। मैंने उससे बोला क्यों, कहने लगा कि सर ये समझ लीजिए गुरु दक्षिणा है आपके लिए। तो मैंने उससे हाल ही में उसको समझाया, मना कर दिया मैंने। शायद वो मेरी वीडियो देख रहा हो तो मैं कहूंगा बुरा मत मानना भाई। देखिए, उसका रीजन है मना करने का, रीजन ये है कि जो ये कोर्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर, मैं किसी बच्चे से कोई चार्ज नहीं करता इस चीज का। और उसी चीज का अगर आप उस जो मनी मैंने आपकी सेव कराई है, अगर आप उसको मिठाई खरीदने में, मुझे ही भेजने में उस मनी को वेस्ट कर देंगे तो मेरे पढ़ाने का क्या फायदा। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो से आपको फायदा लग रहा है तो आप इसको शेयर कीजिए और किसी ऐसे स्टूडेंट से जो कोर्स परचेस करके नहीं पढ़ सकता, उससे आप प्लेलिस्ट को शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, बस ये बहुत है मेरे लिए। ये मेरी गुरु दक्षिणा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और जब आपका रिजल्ट आए और आपको लगे कि मेरे पढ़ाने से आपके रिजल्ट में थोड़ा भी इंप्रूवमेंट आया है तो तब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, बस ये चाहिए आप लोगों से। बाकी पढ़ते रहिए अच्छे से, दिवाली कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था नकल जॉइंट। थोड़ी थोड़ी बात नकल जॉइंट की करूंगा, फिर क्वार्टर जॉइंट पर आ जाएंगे। तो नकल जॉइंट क्या था, टेम्परेरी जॉइंट था। तीन चीजों को मिलाकर के हमने क्या बनाया था, एक जॉइंट बनाया था। तीन चीज क्या थी, सिंगल आई, डबल आई और पिन। तीन चीजें जब हमने मिलाई थी तो क्या बना था, एक जॉइंट बना था, जिसको हम क्या बोल रहे थे, नकल जॉइंट बोल रहे थे, जो कि क्या है, एक तरह का टेम्परेरी जॉइंट है। इसी तरह से एक और जॉइंट हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं क्वार्टर जॉइंट, और ये भी तीन पार्ट से मिलकर के बनता है। कौन से तीन पार्ट है, सॉकेट, क्वार्टर और स्पाइकॉट। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टर जॉइंट बोलते हैं। लेकिन बेसिकली क्वार्टर है क्या, क्वार्टर सिर्फ एक ये टुकड़ा है, एक पीस है, उसको हम क्वार्टर बोलते हैं 3D में। ये 2D में है, 2D डायग्राम है, इसको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने यहां बनाया, क्योंकि सारी बुक्स में आपको यही डायग्राम मिलेगा। ये डायग्राम आपको बहुत कम बुक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए, ये जो 2D डायग्राम है इधर, इसी का 3D पार्ट ये बना करके दिखाया गया है। तो इसमें जो ये रेड वाला पार्ट है ये है सॉकेट, ये जो ब्लू पार्ट है जिसके अंदर गया हुआ है ये है स्पाइगॉट, और जो ऊपर से डाला हुआ है इसको बोलते हैं क्वार्टर। ये तीन चीजों से मिलाकर के जो जॉइंट बनता है उसको हम बोलते हैं क्वार्टर जॉइंट, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा समझिए इसमें, ये जो मैंने ब्लू पोर्शन से दिखाया है ये पूरा क्या है, ये पूरा है सॉकेट, ठीक है। यहां हमने लिख दिया है, बना लीजिएगा ये ध्यान से। उसके बाद जो हमने ये रेड से दिखाया है ये है आपका स्पाइगॉट, और जो ये बीच वाला पोर्शन जो है ये है क्वार्टर, ठीक है, जो कि क्या है मैंने दिखाया है, लेकिन अब क्या रहता है, ये अंदर रहता है किसके, सॉकेट के। अब देखिए यहां पर ये जो शाफ्ट है, ये दोनों साइड क्या है, शाफ्ट निकली हुई है, ये क्या करता है, बेसिकली दो पार्ट्स को आपस में जोड़ता है। एक पार्ट से क्या जुड़ा होगा, स्पाइगॉट जुड़ा होगा, दूसरे पार्ट से क्या जुड़ा होगा, सॉकेट जुड़ा होगा, ठीक है। तो दोनों पार्ट्स में क्या लगी होगी, शाफ्ट लगी होगी दोनों साइड सेम डायमीटर की, ठीक। तो शाफ्ट लगी हुई है, तो डायमीटर ऑफ शाफ्ट किस से डिनोट कर रहे हैं, हम डी से डिनोट कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। दूसरा आता है जो आउटर डायमीटर ऑफ सॉकेट है वो कितनी है, D1 है, आउटर डायमीटर ऑफ सॉकेट, यानी कि ये कितनी है, D1 है। इधर देख लीजिए, ये वाली जो डायमीटर है ये क्या है, D1 है, इसकी बात कर रहे थे ना, ये है D, डायमीटर ऑफ शाफ्ट D, और ये क्या है, आउटर डायमीटर ऑफ सॉकेट कितनी है, D1। उसके बाद इनर डायमीटर ऑफ सॉकेट कितनी है, D2। तो ये जो इनर डाया है, क्योंकि सॉकेट क्या है, अंदर से खोखला है, क्यों, उसमें स्पाइगॉट को लगना है आकर के, ठीक है, तो वो उसकी डायमीटर कितनी है, D2, तो ये हमने दिखा दी D2। उसके बाद आ गया डायमीटर ऑफ स्पाइगॉट कॉलर, तो जो स्पाइगॉट कॉलर है उसके जो डायमीटर है वो कितनी है, D3, ये आ गई स्पाइगॉट कॉलर, स्पाइगॉट इसके पीछे लगा होगा, ठीक है, इसमें नहीं दिख पा रहा है, तो स्पाइगॉट कॉलर की डायमीटर कितनी है, D3।
डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर, सॉकेट कॉलर की डायमीटर कितनी है? D4, ये हमने दिखाई है D4 से, ठीक है। इसकी ये जो है, ये बड़ा वाला जो पोर्शन है, इसकी डायमीटर कितनी है? D4 है। उसके बाद आता है स्पाइगॉट लेंथ आफ्टर क्वार्टर। तो ये जो लेंथ है क्वार्टर स्पाइगॉट की, क्वार्टर के बाद कितना वो अंदर आएगा, कितनी है? A। उसके बाद विड्थ ऑफ क्वार्टर को किससे डिनोट किया है? B से डिनोट किया है। और विड्थ ऑफ सॉकेट, सॉकेट कॉलर कितनी है? C। तो ये कितनी दिखा दी है? C। ये जो विड्थ है, देखो ये जो विड्थ है ये कितनी है? C। ये जो पोर्शन है ये B, और इसके बाद थोड़ा सा स्पाइगॉट आगे आएगा वो कितना है? A। ये तीनों लेंथ यहां पे दिखा दिए। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई है? नहीं क्लियर हुई है रिपीट करके एक बार फिर से देखिए। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये समझ लिया, आपको ये चीज समझ में आ गई, तो आपको आगे बहुत ही आसान हो जाएगा डेरिवेशन करने, ठीक है। समझ लो एक बार फिर से, डायमीटर ऑफ शाफ्ट, ये जो शाफ्ट है इसकी डायमीटर कितनी है? डी। आउटर डायमीटर ऑफ सॉकेट, ये आउटर डाया है सॉकेट की, कितनी है? D1। इनर डायमीटर ऑफ सॉकेट ये दिखाई है D2 से, इनर डाया। उसके बाद डायमीटर ऑफ स्पाइगॉट कॉलर, स्पाइगॉट कॉलर की डायमीटर कितनी है? D3। डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर, सॉकेट कॉलर क्या है? ये सॉकेट कॉलर है ये पूरा, कितना है? D4। ये दिखा दिया हमने पूरा D4। स्पाइगॉट लेंथ कितनी है आफ्टर क्वार्टर? A। विड्थ ऑफ क्वार्टर कितनी है? B। और आपकी जो विड्थ ऑफ सॉकेट कॉलर है कितनी है? C। अब समझिए इसको आगे कैसे करना है, आपको समझते हैं इसकी थ्योरी, उसके बाद इसके फेलियर्स पढ़ेंगे। देखिए क्वार्टर जॉइंट क्या बोल रहा है यहां पे, क्वार्टर जॉइंट के बारे में। ये क्या है क्वार्टर, क्या है सबसे पहले समझो क्वार्टर क्या है। हमने देख लिया क्वार्टर क्या है, ये इसी चीज को बुक में लिखा हुआ है। किस तरीके से लिखा हुआ है देखो, ए क्वार्टर इज ए फ्लैट वेज्ड शेप्ड पीस ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एंड इट्स विड्थ इज स्टेपल्ड फ्रॉम वन एंड टू द अनदर फॉर एन इजी एडजस्टमेंट। द क्वार्टर इज यूजुअली मेड अप ऑफ माइल्ड स्टील और वाउट आयरन। इट इज टेम्परेली फास्टनिंग एंड इट इज यूज्ड टू कनेक्ट रिजिडली टू कोएक्सियल रॉड्स व्हिच आर सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड्स। Taper is on one face of quarter. It is used to connect piston rod to the crosshead of a reciprocating engine. ये इसका use बता दिया, समझो। एक quarter आयतकार cross section का एक सपाट पच्चर के आकार का टुकड़ा होता है। तो क्या है? एक क्या है? ये wedged shape piece का एक rectangular cross section का क्या है? टुकड़ा है। किसका? Mild steel का, जिसपे क्या है? Tapered लगी हुई है। Mild steel का होगा या फिर राउट आयरन का होगा, उसको क्या बोलते हैं? हम क्वार्टर बोल देते हैं। ये एक स्थाई उपवास है, तो ये क्या है? बेसिकली टेम्परेरी जॉइंट है एक तरह का, ठीक है, परमानेंट जॉइंट नहीं है। ये क्या है? एक तरह का टेम्परेरी जॉइंट है, इसको हम कभी भी खोल सकते हैं। कैसे? बस क्वार्टर को हमें निकाल देना है, स्पाइगॉट अलग हो जाएगा, सॉकेट अलग हो जाएगा, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है? इसका इस्तेमाल रॉड को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, पिस्टन रॉड्स को, और क्रॉस हेड किसका? रेसिप्रोकेटिंग इंजन का, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो टाइप्स ऑफ क्वार्टर जॉइंट, तो पहला क्वार्टर जॉइंट तो हमने ये पढ़ लिया, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉकेट एंड स्पाइगॉट क्वार्टर जॉइंट। तो इसको, ये वाला जो जॉइंट है इसको क्वार्टर जॉइंट भी बोलते हैं, और सॉकेट लिख लेते हैं, इसको क्वार्टर जॉइंट भी बोल रहे हैं। पहला नाम इसका क्वार्टर जॉइंट हो गया। एग्जाम में आपसे सॉकेट एंड स्पाइगॉट क्वार्टर जॉइंट भी बोल सकता है। तो सॉकेट एंड स्पाइगॉट क्वार्टर जॉइंट दोनों है इसमें, देखो सॉकेट और स्पाइगॉट क्वार्टर जॉइंट, ये भी इसका दूसरा नाम है। दोनों तरीके से एग्जाम में पूछ सकता है, दोनों तरीके से प्रिपेयर करके जाना। ए क्वार्टर जॉइंट इज ऑल्सो नोन एज सॉकेट एंड स्पाइगॉट जॉइंट इज ए मेथड ऑफ टेम्परेली जॉइनिंग टू एक्सियल रॉड्स, ठीक है। तो ये क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? सॉकेट एंड स्पाइगॉट जॉइंट है, जिसका इस्तेमाल दो कोएक्सियल रॉड्स को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। ये रहना दो रॉड्स आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। वन रॉड इज फिटेड विद अ स्पाइगॉट व्हिच फिट्स इनसाइड अ सॉकेट ऑन वन एंड ऑफ द अदर रॉड। तो क्या है देखो, एक क्या है स्पाइगॉट से जुड़ा होगा, दूसरा सॉकेट से जुड़ा होगा, और आपस में जुड़ जाएंगी। स्लॉट्स इन द सॉकेट एंड द स्पाइगॉट अलाइन सो दैट अ क्वार्टर कैन बी इंसर्टेड टू लॉक द टू रॉड्स टुगेदर। तो क्या करते हैं हम, स्लॉट सॉकेट के अंदर क्या है, पूरा स्लॉट बना हुआ है, ताकि जो हमारा स्पाइगॉट है पूरा सॉकेट के अंदर आकर के फिट हो जाए, और ऊपर से हम क्या करें उस पर क्वार्टर को फिट कर दें, ताकि हमारा जो जॉइंट है
कौन सा जॉइंट, क्वार्टर जॉइंट, वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यही चीज हिंदी में लिखी हुई है, चाहो तो हिंदी में नोट करना, चाहो तो इंग्लिश में नोट करना, जिस भी लैंग्वेज में आपको पसंद है। एक क्वार्टर जोड़ जिसे सॉकेट और स्पाइगोट जोड़ के रूप में भी जाना जाता है, दो समाक्षीय छड़ों को अस्थाई रूप से जोड़ने की एक विधि है। एक रॉड में एक स्पाइगोट लगा होता है जो दूसरे रॉड के एक सिरे पर सॉकेट के अंदर फिट हो जाता है। सॉकेट और स्पाइगोट के स्लॉट संरेखित करके ताकि दो छड़ों को एक साथ लॉक करने के लिए एक क्वार्टर डाला जा सके। तो ये हुआ आपका कौन सा जॉइंट, सॉकेट एंड स्पाइगोट क्वार्टर जॉइंट, ये भी बोल सकते हैं और क्वार्टर जॉइंट भी बोल सकते हैं। दूसरा पार्ट इसका आ जाता है, ये सब इसके क्या है, पार्ट्स हैं क्वार्टर जॉइंट के, स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट। अब देखो स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट कितना आसान है, अभी तक हमने कौन सा पढ़ा, सॉकेट एंड स्पाइगोट जॉइंट, ये क्या है, स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट है। इसमें बेसिकली स्लीव लगा होता है, स्लीव क्या होता है, जिसमें दो होल्स हो और दो क्वार्टर का स्पेस हो, दो होल्स हो और दो क्वार्टर का स्पेस हो तो उसको क्या बोल देते हैं, हम स्लीव बोल देते हैं। तो दिस इज यूज टू कनेक्ट टू राउंड रॉड्स और बार्स विद द हेल्प ऑफ अ स्लीव हैविंग टू होल्स एंड टू क्वार्टर दैट पास थ्रू दीज होल्स। अब देखो क्या कह रहा है, इसका उपयोग दो गोल छड़ों को एक स्लीव की मदद से जोड़ने के लिए किया जाता है। स्लीव क्या है, ये रहा? दो गोल छड़े क्या है, ये नहीं, रॉड्स किया जाता है जिसमें दो छेद और दो क्वार्टर होते हैं, दो इन छेदों से गुजरते हैं। ठीक है, तो क्या है, हम दो क्वार्टर जिसमें फिट कर सकते हैं, वो कौन सा जॉइंट हो गया आपका, स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट हो गया। बड़ी आसान है, अगर ये लैंग्वेज में एग्जाम में लिख दोगे तो कोई आपके मार्क्स नहीं कट करेगा। ठीक है, अब आता है आपका गिब एंड क्वार्टर जॉइंट। इसमें क्या है, गिब एंड क्वार्टर जॉइंट में क्या जाता है, क्वार्टर के बराबर में गिब्स लगा दिए जाते हैं। देखो ये लगा दिए, दो गिब्स लगा दिए, गिब्स क्या, बेसिकली सपोर्ट लगा दी ताकि क्या हुआ, हमारा क्वार्टर अपनी जगह से हिले नहीं, क्योंकि जब ये हिलता है तो फेलियर्स होते हैं। फेलियर्स क्यों होते हैं, प्ले आ जाती है भाई, क्रशिंग भी होती है ना, क्या हो सकता है, टूट भी सकता है, फेलियर भी हो सकता है, शियर भी हो सकता है ना, सभी तरह की स्ट्रेसेस लगती है और टेंसाइल स्ट्रेस भी लग रही है, तो डबल शेयर की वजह से टूट भी जाता है। तो क्या हो, इसमें फेलियर ना हो, ये क्या रहे, फिक्स रहे अपनी जगह पे, तभी हम क्या करते हैं, गिब्स लगा देते हैं। ठीक है, तो गिब्स क्या करते हैं, उसको बांध के रखते हैं क्वार्टर को अपनी जगह पे, और जब वो हिलेगा नहीं, कम से कम हिलेगा, तो क्या होगा, क्रशिंग बहुत कम होगी, तो फेलियर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ए गिब एंड क्वार्टर जॉइंट इज यूज इन स्ट्रैप ऑफ कनेक्टिंग रॉड या बिग एंड, तो जो बिग एंड होते हैं, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड के, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ए गिब इज अ पीस ऑफ माइल्ड स्टील हैविंग सेम थिकनेस एंड टेपर एज द क्वार्टर। तो गिब क्या है, एक माइल्ड स्टील का ही बना होता है गिब भी, और इसकी सेम थिकनेस होती है, सेम टेपर होता है, थिकनेस भी बराबर होगी और टेपर भी बराबर होगा, किसके, क्वार्टर के, क्योंकि क्वार्टर क्या है, टेपर में बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, तो गिब अच्छे से पकड़ सके, तो गिब को भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, टेपर में बनाना पड़ेगा, और थिकनेस भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, या पतला होगा तब भी प्रॉपरली आपकी क्या होगा, पकड़ नहीं बन पाएगी, और मोटा होगा तब भी प्रॉपरली पकड़ नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, बराबर होगा। द पर्पस ऑफ गिब इज टू होल्ड टुगेदर द एंड्स ऑफ स्ट्रैप सो दैट द क्वार्टर डज नॉट गेट लूज एंड स्प्रिंग आउट। तो क्या होता है, इसका मेन मकसद क्या है, मेन क्या क्या काम कर रहा है, गिब क्या कर रहा है, क्वार्टर को पकड़ के रखे हुए है। हमने यहां एक गिब लगा दिया, यहां एक गिब लगा दिया, अब इसने पकड़ लिया क्वार्टर को, अब नहीं हिल सकता क्वार्टर। ठीक है, गिब ने क्या कर लिया, उसको पकड़ लिया। जैसे सपोज आप बीच में खड़े हैं, आपको हिलने डुलने की आदत है, ऐसे हिलने डुलने की आदत है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने दो लड़के बुलाए जो क्या है, हाइट में भी आपके बराबर है और वो क्या है, उनकी बॉडी भी आपके बराबर है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक लड़का इधर खड़ा हो गया आपके, एक लड़का इधर खड़ा हो गया, अब ना वो आपको इधर हिलने दे रहा है ना आपको इधर हिलने दे रहा है, अब आप सीधे खड़े हुए हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, हिलने के चांसेस क्या हो गए, खत्म हो गए एकदम, तो क्रशिंग ही नहीं होगी। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स लार्जर बियरिंग सर्फेस फॉर द क्वार्टर टू स्लाइड ऑन ड्यू टू इंक्रीज होल्डिंग पावर। तो बेसिकली गिब क्या करता है, होल्डिंग पावर को बढ़ा देता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे इसके फेलियर्स, किस किस तरह से हमारा क्वार्टर जॉइंट फेल कर सकता है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को डिजाइन करते हैं तो हमें यह पता होना जरूरी है कि वो फेल करेगी तो कहां करेगी। ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जिस पर हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं जब किसी भी चीज को हम डिजाइन करते हैं। तो जो हमारा पहला फेलियर रहेगा
वो रहेगा फेलियर ऑफ शाफ्ट इंटेंशन। ये आपने नोट कर लिया, नहीं किया तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये बहुत काम आएगा आपके। फेलियर ऑफ शाफ्ट इंटेंशन ये पहला है हमारा। फेलियर ऑफ शाफ्ट इंटेंशन, देखो कोई भी चीज टूटती है तो वो कहां से टूटती है, जहां से कमजोर होगी, जहां से कमजोर होगी वहीं से टूटेगी। भाई इंसान है, इंसान सबसे ज्यादा कमजोर कहां से होता है, दिल से। तो इंसान का सबसे पहले क्या टूटता है, दिल टूटता है ना, कि भाई दिल तोड़ के चली गई हमारा, ऐसा होता है ना। तो इसलिए दिल अगर तुम्हारा मजबूत है तुम्हें कोई तोड़ नहीं पाएगा, ना तुम्हें कोई डरा पाएगा, है ना। तो दिल अपना मजबूत रखो, ठीक है। दिल अगर बचा हुआ है तो बचे रहोगे, दिल टूट गया तो फिर तुम्हारी गारंटी खत्म, फिर तुम वो प्रोडक्ट हो जिसकी ना गारंटी है ना वारंटी, बस चल रहा है जब तक चल रहा है। अब देखो इसलिए दिल अपना मजबूत रखो। फेलियर ऑफ शाफ्ट इंटेंशन, सबसे पहले कहां से टूटने के चांसेस है, शाफ्ट से। तो शाफ्ट अगर टूटेगी, कोई भी चीज अगर शाफ्ट टूटेगी, शाफ्ट टूटेगी तो शाफ्ट टूटने के बाद आगे से कैसी नजर आएगी, गोल। सपोज ये तो सॉकेट है, ये रखो ये है आपकी शाफ्ट, तो शाफ्ट अगर ये टूट गई तो आपको कौन सा इसका पोर्शन नजर आएगा, ये गोल, गोल। तो क्या नजर आएगा, एक गोल एरिया मुझे नजर आएगा जो कि टूटा है। ये क्या है, मेरी शाफ्ट है, ठीक है। अब कोई भी चीज गोल है तो उसका एरिया कितना होगा, पाई बाई फोर डी स्क्वायर, पाई बाई फोर डी स्क्वायर। और शाफ्ट का डायमीटर क्या था, डी। तो यहां चेंज तो हमें कुछ करना ही नहीं, डी स्क्वायर ही रखना है, ठीक है। अब ये जो शाफ्ट टूटी है हमारी, किसमें टूटी है, टेंशन में, तो किसका फॉर्मूला लगेगा, टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला लगेगा, लोड पर यूनिट एरिया। एरिया हमारे पास आ चुका है, लोड निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे सर, एरिया। यहां पर एरिया की वैल्यू पुट कर दूं, सर कर दीजिए। बात क्या करो, ऑनलाइन भी क्लास ले रहा हूं ना मैं, कुछ पूछ रहा हूं, हाँ जी यस नो, इतना तो कर सकते हो, नींद ही नहीं आने की, कभी नींद नहीं आएगी तुम्हें अगर तुम यस नो भी कर रहे हो ऑनलाइन क्लास में भी, तो इंटरेक्शन तुम्हारा टीचर से चल रहा है, और इंटरेक्शन अगर तुम्हारा चल रहा है तुम्हें नींद नहीं आएगी, करके देख लेना। पाई बाई फोर डी स्क्वायर इतना आ गया, बोलो यस सर। ये पहला फेलियर आपका खत्म हो गया, यहां पर सबको समझ में आया, यस सर, ठीक है। अब पढ़ेंगे सेकंड फेलियर हमारा, जो कि आपका सामने लिखा हुआ है, फेलियर ऑफ स्पाइगॉट इंटेंशन। अब क्या टूटेगी, स्पाइगॉट टूटेगी, किसमें, टेंशन में टूटेगी, बहुत टेंशन है इसको भी। टेंशन में तो इंसान टूट जाता है, तो स्पाइगॉट है। अब देखो ये है स्पाइगॉट, जूम कर लूं उसको, थोड़ा बड़ा लगेगा, ये देखो अब एकदम क्लियर होगा। अब जो स्पाइगॉट है ये, जो कि सॉकेट के अंदर जाती है, ये टूटेगी, किसकी वजह से टूटेगी, टेंशन की वजह से टूटेगी। अब टूटने के बाद जो इसमें पोर्शन मुझे नजर आएगा, वो कौन सा पोर्शन नजर आ रहा है, ये जो रेड पोर्शन है, क्योंकि देखो इस पोर्शन में तो कुछ है ही नहीं ना, ये तो खाली है, क्यों, क्योंकि यहां पर क्वार्टर फिट हो जाना है। तो ये जगह कैसी बनाई जाती है, खाली बनाई जाती है। तो कहां पर जो जोर लगा है टूटने के लिए, ये जो चीज नहीं टूटना चाह रही थी वो कितनी है, वो ये है। तो अगर मैं इसको 2D में देखूं तो ये चीज नजर आएगी क्या, थोड़ा बड़ा बना ले, ये देखो ये नजर आएगा, ठीक।
तो अब हमें यह निकालना है एरिया। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। अब पहले पूरे सर्किल का एरिया निकालें, फिर उसमें से यह माइनस कर देंगे। अगर पूरे सर्किल का एरिया निकाल करके मैं इसको माइनस कर दूं तो इसका एरिया आ जाएगा निकल करके, बिल्कुल आ जाएगा। जिन लोगों को एरिया निकालना बड़ा मुश्किल लगता है, आज समझ लेना बहुत आसान है। एरिया, तो सर्किल का एरिया क्या है, पाई बाई फोर डी स्क्वायर, पाई बाई फोर डी स्क्वायर। लेकिन एक चीज समझिए, डी स्क्वायर ये तो फॉर्मूला है हमारा, जो हमारा ये स्पाई गॉड का जो डायमीटर है वो कितना है, डी टू है। तो क्या लिखे यहां पे, डी टू का स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। अब ये करना है माइनस, माइनस करना है, ठीक है। तो जो हमारे क्वार्टर की थिकनेस है उसको हम टी से डिनोट करते हैं, लिख लीजिए इसको। किससे डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं क्वार्टर की थिकनेस को, ठीक है। तो माइनस करेंगे क्या, टी इंटू ये कितना है, ये कितना है, डी टू। ये भी तो बराबर ही होगा ना, जितना एरिया माइनस कर रहे हैं वो डायमीटर के बराबर ही होगा। तो डी टू, टी इंटू डी टू, ये एरिया हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया इतना एरिया इसमें से, तो हमारा एरिया आ गया। स्पाई गॉड कैसे टूटी आपकी टेंशन में, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, लोड पर यूनिट एरिया। एरिया हमारा आ चुका है, लोड निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे सर। सिग्मा टी इंटू एरिया कितना है, पाई बाई फोर डी टू का स्क्वायर माइनस टी इंटू डी टू। ये आ गया आपका लोड का फॉर्मूला सर। बहुत बहुत मुबारक हो, सेकेंड फेलियर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब करेंगे आपका थर्ड फेलियर। ये सेकेंड था, सेकेंड था, इसको नोट कर लीजिएगा। अब करेंगे हम थर्ड फेलियर। अब है फेलियर ऑफ स्पाई गॉट इन शेयर। अब तक ये कैसे टूट रहा था, टेंशन में टूट रहा था, अब ये टूटेगा शेयर में। तो डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इस तरह का जो फेलियर होगा बच्चों, शेयर में स्पाई गॉट अगर टूटेगी तो वो इस तरीके से टूटेगी। देखिए अब तक कैसे टूट रही थी, टेंशन में टूटी तो ये पूरा एरिया निकल गया था। अब क्या हुआ, ये शेयर में टूटी, तो शेयर में टूटने से क्या होगा कि हमारा जो ए लेंथ का एरिया है ये टूटेगा, ये टूटेगा और दोनों साइड से टूटेगा। शेयर क्या कैसे लगेगी, दोनों साइड लगेगी, ये देखो। तो डबल शेयर में निकलेगा, ये पूरा पीस निकल करके बाहर आ जाएगा। अगर सपोज ये वाली वॉल है, इसके पीछे भी एक वॉल होगी, इसकी जो है माइंड में थोड़ा सा इमेज बनाना, इसके पीछे भी एक इमेज जो है वॉल होगी, दीवार होगी, ये दोनों ही साइड जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसकी एक साइड काट दूं तो क्या ये दूसरी साइड से निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, मुझे दोनों साइड इसकी काटनी होगी, ठीक है। तो क्या होगा, डबल शेयर में ये क्या होगा, एक पीस निकल करके बाहर आ जाएगा। वो फेलियर होगा किसमें, स्पाई गॉट में, किसकी वजह से, शेयर की वजह से। लेकिन कौन सा शेयर लगेगा, डबल शेयर लगेगा, ठीक है। तो ये जो पीस निकल करके आएगा ये कुछ रेक्टेंगुलर पीस टाइप का होगा, ये होगा, जिसकी लेंथ कितनी होगी ए और डायमीटर कितनी होगी, ये डी टू, ये रे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं इसका, ये क्या है, रेक्टेंगुलर पीस है एक, ठीक है। तो इसका अगर मैं एरिया निकालूं तो एरिया क्या आएगा इसका, ए इंटू डी टू, ए इंटू डी टू। और ये किस में है, डबल शेयर में है, तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय टू कर देंगे। शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला, लोड पर यूनिट एरिया, टॉ लोड, एरिया कितना है, ए इंटू डी टू इंटू टू। तो यहां से लोड हम निकाल सकते हैं, टॉ टू ए इंटू डी टू। ये फॉर्मूला हमारा निकल करके आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय टू क्यों किया, क्योंकि डबल शेयर में है, दोनों साइड शेयरिंग हो रहा है। अब पढ़ेंगे अपना फोर्थ डेरिवेशन, फेलियर ऑफ स्पाई गॉट इन क्रशिंग।
क्रशिंग की वजह से जो फेलियर होता है स्पाइकॉट में वो कैसे होता है, देखिए यहां पर ये है कि स्पाइकॉट, ये है सॉकेट और लगा हुआ है क्वार्टर, इतना हमने समझा। अब ये क्वार्टर जब इसमें ये किसी मशीन में लगा होगा तो इस पे क्रशिंग होनी शुरू होगी, इसका इसका घिसना शुरू होगा। अब जब ये जो क्वार्टर है भी इसमें फिट है, लेकिन अगर स्पाइकॉट जो अंदर लगा हुआ है वो लगातार घिसता रहे तो एक ये कंडीशन आएगी कि ये क्वार्टर नीचे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्पेस जहां ये फिट है वो बढ़ जाएगा, तो क्वार्टर कहां निकल जाएगा? नीचे निकल जाएगा। तो ये किसकी वजह से होता है? ये जो फेलियर है ये लूज होने की वजह से भी होता है। ठीक है, तो अब हमें जो एरिया निकालना है जहां पे क्वार्टर टच हो रहा है वो कितना एरिया है? वो तो सिर्फ ये एरिया है ना, बीच वाला जहां क्वार्टर टच हो रहा है, ये सिर्फ ये एरिया है, क्योंकि साइड में क्या है? साइड में तो कनेक्टेड है, ये रॉड है। ठीक है, तो सिर्फ क्वार्टर कहां टच हो रहा है? बीच में टच हो रहा है, तो क्रशिंग भी कहां होगी? इसी एरिया में होगी। तो ये एरिया हमें निकालना है। अगर इस एरिया को मैं निकाल लूं बीच वाले को तो ये सॉल्व हो जाएगा। देखो राइट से नहीं लिखते हैं, क्रशिंग की वजह से हो रहा है, क्रशिंग या कंप्रेशन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो सिग्मा सी लोड पर यूनिट एरिया। अब एरिया कितना है? ये कितना है? डी टू। ये कितना है? डी टू। क्रशिंग कहां से कहां तक होगी? डी टू में ही होगी, क्योंकि टच कहां हो रहा है? डी टू में ही हो रहा है। और थिकनेस ऑफ क्वार्टर कितनी है? टी। तो एरिया क्या आ गया? डी टू इंटू टी, बस हो गया। लोड निकाल दें, सिग्मा सी इंटू डी टू इंटू टी, ये हमारा आ गया लोड का फॉर्मूला किसके लिए? जब स्पाइकॉट फेल करेगा क्रशिंग में। अब हम करेंगे नेक्स्ट डेरिवेशन अपना फिफ्थ, जिसमें क्या होगा? जो स्पाइकॉट का कॉलर है वो फेल करेगा। स्पाइकॉट कॉलर फेल करेगा किसकी वजह से? कंप्रेशन की वजह से। तो फेलियर ऑफ स्पाइकॉट कॉलर इन कंप्रेशन, इसको रफ कर देता हूं। अब क्या फेल होगा? अब कॉलर फेल होगा। देखो कैसे कैसे होगा। ये देखिए, ये स्पाइकॉट का कॉलर है, ये ही अगर टूट जाए तो भाई ये टूट गया, शाफ्ट भी इसके साथ निकल जाएगी, क्या होगा? फेलियर होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? जो एरिया फेल करेगा, यहां क्या है? यहां तो एक शाफ्ट लगी हुई है, तो जो एरिया फेल करेगा वो कौन सा एरिया है? वो तो ये वाला एरिया है, बाहर बाहर का एरिया। तो हमें ये एरिया में से अगर ये एरिया माइनस कर दे तो ये जो अंदर वाला एरिया बचा ये मिल जाएगा हमें। आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो बाहर वाला एरिया कितना है इसका? ये जो डायमीटर कितनी है? डी थ्री है। शाफ्ट की डायमीटर कितनी है? डी। एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा? अंदर वाला ये होगा डी टू, ये डी टू है, ये वाला एरिया है, शाफ्ट नहीं है, ये शाफ्ट इसके भी अंदर होगी। तो फॉर्मूला आएगा एरिया का पाई बाई फोर डी थ्री का स्क्वायर माइनस पाई बाई फोर डी टू का स्क्वायर। भाई इसके एरिया में से ये एरिया मैंने माइनस कर दिया तो ये एरिया मेरा निकल करके आ जाएगा, जहां पे क्या होगा? इसका कॉलर फेल करेगा। ठीक है, ये कॉलर फेल करेगा। अब कैसे कर रहा है? कंप्रेशन में। तो कंप्रेशन का फॉर्मूला लोड पर यूनिट एरिया, लोड सिग्मा सी इंटू एरिया, लोड सिग्मा सी, एरिया क्या है? पाई बाई फोर डी थ्री का स्क्वायर माइनस पाई बाई फोर डी टू का स्क्वायर।
पाई बाय फोर कॉमन लेकर के आप डी थ्री इसका स्क्वायर माइनस डी टू का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, हो सकता है बुक में लिखा हुआ हो, तो कंफ्यूज मत होना। वो रहेगा P इज इक्वल टू सिग्मा C इंटू पाई बाय फोर डी थ्री का स्क्वायर माइनस डी टू का स्क्वायर, ये भी आपका आ सकता है। तो यहां पर आपके फेलियर्स कंप्लीट होते हैं किसके, इस पाई गॉड के। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फेलियर्स ऑफ क्वार्टर और सॉकेट, बहुत अच्छे से उसको भी समझेंगे। ये आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और एक और चीज, टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना, मैं सभी लेक्चर्स के लिंक्स जो है वो टेलीग्राम में डालता हूं, तो वहां से आप अपडेटेड रहेंगे, और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।